हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, किचन टिप्स अदर यूजफुल टिप्स फ्रेंड्स, जो कि वीडियो पहले की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होती है, साथ ही में आपका काम भी आसान हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी अपनी पहली टिप्स जो कि बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके के जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं ये सभी के घर में होते हैं, और बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये वेस्ट है और वेस्ट समझ के इसको फेंक देते हैं, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करते हैं किचन में और काफ़ी टाइम हो जाता है यूज़ करते हुए, पुराना हो जाता है, फिर हम इस तरीके के डिब्बे को फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज इस डिब्बे को हम फेंकेंगे नहीं, इसका एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना करके तैयार करेंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो पानी की बॉटल ली है, और बॉटल की ज़रूरत हमको बिल्कुल नहीं है, बस हमें यहाँ पे ढक्कन को लेना है। तो यहाँ पे दो ढक्कन, कोई से भी दो ढक्कन आप ले लीजिएगा, सेम ही सेम साइज़ के लीजिएगा, और उसके बाद से उस पर लगाना है थोड़ा सा डबल टेप, दोनों तरफ से अच्छे से डबल टेप लगा करके दोनों ढक्कन को हम इसमें चिपका देंगे डिब्बे में। और उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे हमें एक पॉलीथीन लेनी है, और उसके बाद इस तरीके से इसको लगा दीजिएगा, जहाँ पे ढक्कन हमने लगाया इसको इस तरीके से अच्छी तरह से हम फंसा देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा सा छोटा सा डस्टबिन बन करके तैयार हो गया। अच्छा, इस डस्टबिन का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो इस डस्टबिन का यूज़ हम कर सकते हैं अपने बेडरूम में रखने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी भी कुछ खाते हैं या टीवी देखते देखते कुछ खा रहे होते हैं, तो उसका जो रेफर होता है या जो भी चीज़ें होती है, कई बार ऐसा होता है कि हमें रूम में ही कहीं ना कहीं रखना पड़ जाता है, लेकिन या फिर जा करके बाहर डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में इस तरीके से छोटा सा डस्टबिन बना करके रखेंगे, तो इसमें आप जैसे चिप्स, कुरकुरे के रैपर वगैरह हो गए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा यूज़ होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटा सा डस्टबिन बना करके आप अपने रूम में कहीं भी रख सकते हैं। और इसमें बहुत, एक बार जब आप इसको यूज़ करेंगे ना फ्रेंड्स, ये वाली टिप्स आप लोग को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस तरीके से छोटा सा डस्टबिन बना के रखने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देख लेते हैं अपनी अगली टिप्स कौन सी है। अच्छा फ्रेंड्स, नेल पेंट तो सभी लेडीज़ के पास बहुत सारी होती हैं, चाहे लगाएं या फिर नहीं लगाएं, लेकिन नेल पेंट का कलेक्शन तो होता ही होता है। लेकिन क्या होता है, जब नेल पेंट काफ़ी समय तक ऐसे ही रखी रहती है, तो आपने देखा होगा नेल पेंट जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, यानी कि सूख जाती है, जिसके वजह से हम उसका यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नेल पेंट जो है महंगी महंगी आती हैं, कई बार हम महंगी महंगी नेल पेंट ले आते हैं और उसको यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो एज इट इज़ पड़ी रह जाती है, जब वो पड़ी रहती है तो सूख जाती है, फिर हमें वो बेकार समझ के फेंकना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज जो छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आगे से आप नेल पेंट कभी नहीं फेंकेंगे। क्या करना है, यहाँ पे हमने एक कटोरे में नेल पेंट को रखा है, और उसके बाद से इसमें गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने की वजह से क्या होगा, सारा जो नेल पेंट है जो एकदम थिक हो गया है वो बहुत ही नॉर्मल सा हो जाएगा, और आप उसे आराम से यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपकी नेल पेंट बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है लगाने जैसा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कढ़ाई में रख के थोड़ी देर के लिए बहुत तेज़ पानी, यानी कि एक बॉयल ले आइएगा, यानी कि इसको एक बार उबाल लीजिएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से नेल पेंट एकदम लगाने जैसी हो जाएगी, एकदम पतली हो जाएगी, और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बस कढ़ाई में डाल के 2 से 5 मिनट के लिए अच्छे से उसमें बॉईल ले आइएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही आराम से नेल पेंट हमारी यूज़ करने जितनी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छे से ये जो थिक थी नेल पेंट वो पतली हो गई है। तो उम्मीद करते हैं टिप्स अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आके, देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत बार क्या होता है, जब कभी हमें लहसुन छीलना होता है, थोड़े बहुत क्वांटिटी में छीलना हो तब तो चलता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि घर में कुछ फंक्शन है, पार्टी है या किटी पार्टी वगैरह है, उस टाइम पे अगर हमें लहसुन का यूज़ करना है और ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन छीलना है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हम छील नहीं पाते हैं जल्दी और टाइम भी लगता है। तो आज एक छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आप इसको यूज़ कर रहेंगे तो यकीन मानिए इससे आपका काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। लहसुन हम एक ही बार में काट भी लेंगे, छील भी लेंगे और धो भी लेंगे। क्या करना है, हमें
लेना है चॉपर, और चॉपर में लहसुन को बिना छीले डाल देना है और उसके बाद से उसको अच्छे से चला लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो छिलके हैं ये अलग हो गए हैं और जो लहसुन है वो अलग हो गया है। अब इसके छिलकों को हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालते ही आपको पता है छिलके सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे और लहसुन जो है वो नीचे रह जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे छिलके भी अलग हो गए, हमें लहसुन अलग से छीलना भी नहीं पड़ा, काटना भी नहीं पड़ा और धोना भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पे छिलके सारे अलग हो गए, लहसुन सारा जो है वो नीचे बैठा है। तो अब आराम से एक से दो पानी इसको धो के लहसुन को, और फिर आप इसको यूज़ कीजिए। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किलो दो किलो लहसुन भी आराम से छील के काट के तैयार कर सकते हैं। क्योंकि लहसुन जो एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर कम क्वांटिटी में डाला जाए सब्ज़ी में तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता है अच्छा, और अगर ज़्यादा डालना हो तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से लहसुन को छील भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, धो भी सकते हैं, एक ही बार में आपके तीनों काम निपट जाएंगे। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमने इस तरीके से लहसुन को धोया है पानी में तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है। और अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसी अच्छी अच्छी किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है टिप्स। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने एक ब्लाउज़ लिया है, ब्लाउज़ का हमें किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए अगर कभी हमें ट्रैवल में जाना है और अगर हमें अपनी ज्वेलरी को कैरी करके लेके जाना है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उस टाइम पर। अगर हमें ट्रेन से ट्रैवल करना हो तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि किस तरीके से महंगी महंगी ज्वेलरी को हम लेके जाएँ, क्योंकि अगर बैग वगैरह में रखते हैं तो बहुत दिक्कत होता है चोरी होने का, बहुत ही डर होता है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी टिप्स का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर इस तरीके से आप चाहें तो बहुत आराम से अपनी महंगी महंगी ज्वेलरीज को भी लेके जा सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी शक भी नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी एक छोटा सा पर्स ले लीजिएगा, पर्स जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा है। तो एक छोटा सा पर्स ले लीजिएगा और इसको खोल लीजिएगा। खोलने के बाद से पर्स के अंदर से आपको इस तरीके से पिन लगानी है, जिससे क्या होगा, अगर ये पिन गलती से खुल भी जाता है, वैसे तो खुलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो कि पिन खुल के चुभ सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए हमने पिन का जो मुंह है वो अंदर के तरफ रखा है, पर्स के अंदर के तरफ। अब क्या करना है, हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे पर्स को अटैच कर लिया है और उसके बाद से अब हम इसमें अपनी जो भी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इसमें रख सकते हैं, चाहे कैश हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। इससे किसी को डाउट भी नहीं होगा और आप बहुत आराम से अपनी हैवी से हैवी ज्वेलरी ले करके जा सकते हैं कहीं भी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है जो कि बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिया है यहाँ पे हल्दी, एक चम्मच जितना हमने हल्दी लिया है और इसमें हम डालेंगे कोई भी एक मेडिसिन, चाहे कोई कैप्सूल ले लीजिएगा या फिर अगर आपके पास कोई एक्सपायर मेडिसिन पड़ी है तो उसको आप क्रश करके ले लीजिएगा। इसका यूज़ किस तरीके से करना है चलिए बताते हैं आपको। तो बस इतना सा ही काम यहाँ पे करना है, हमें दवाई और हल्दी को एक साथ में मिक्स करना है। उसके बाद से चलते हैं फ्रेंड्स सिंक के तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिंक को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सिंक के रास्ते से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े इसमें होते हैं जो कि कई बार बाहर आ जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा बैड स्मेल भी आती है सिंक के तरफ से। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हफ्ते में एक बार इस टिप को ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। अगर हफ्ते में एक बार आप इस टिप्स को यूज़ करेंगे तो ये जो बैड स्मेल आने वाली प्रॉब्लम है, साथ ही साथ में सिंक के माध्यम से जो कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्या करना है, सोने से पहले जब आप बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर लेते हैं उसके बाद से सिंक को भी अच्छे से वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद से जो मिक्सचर हमने बनाया था उसको इस तरीके से सिंक में डालना है, और डालने के बाद से एक बॉटल जिसको ऊपर से कट करके, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर से कट करके लेना है और इस तरीके से इसमें डाल करके छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये जो हमने डाला है फ्रेंड्स ये मिक्सचर, इसकी वजह से इसका बहुत स्ट्रांग स्मेल होता है जिसकी वजह से नीचे जाता है और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मार देता है, और ये भाग भी नहीं पाते हैं ऊपर की तरफ क्योंकि हमने बोतल लगाई है। तो बोतल को रख करके रात भर के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। फिर मॉर्निंग में आप इसको आराम से पानी से वॉश कर सकते हैं और ये बोतल को भी आप हटा सकते हैं। तो ये टिप्स आपको रात में ही ट्राई करनी है क्योंकि इसका जो इफेक्ट है रात में ही ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की टिप्स
किचन टिप्स अदर विशफुल टिप्स आप लोगों को पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी बहुत सारी वीडियोस पहले से चैनल पर अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार जाकर के ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ